सो लीजिए गाइस, मैं पहुंच चुका हूं बजाज टोरेंट सर्विस सेंटर। यहां पे मैं अपने बाइक का वायरिंग कराने आया हूं। कल मैं बुंडू में अपने बाइक की वायरिंग कराने की कोशिश की थी, जहां पे काम हुआ नहीं, उल्टा मेरा सेल्फ बिगड़ गया, जिससे मुझे और परेशानी होगी। तो और पीछे देख सकते हैं, ये बजाज सेंटर। और बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, लगभग चार पाँच साल हो रहे होंगे। फुल वायरिंग का लगभग 6 से 7 हज़ार बोला यार, मेरा तो कलेजा हिला दिया। मैंने सिर्फ 2-2.5 हज़ार का एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ये तो पूरा बजट पूरा बढ़ा दिया यार। अभी मन को बहलाने के लिए मैं लिट्टी चोखा खाने आया हूँ। वैसे मुझे दाम सुन के ना, जो भी रेट, भूख भी ख़त्म हो गया मेरा। तो मैं शुरू से ही जान रहा था कि यहाँ पे जो सर्विस सेंटर है, यहाँ पे अगर मैं करवाऊँगा तो कुछ ज़्यादा पैसे लगेंगे। और वहाँ पे सस्ता लगा, इसलिए मैं वहाँ पे ट्राई किया कि वहाँ करवाने के लिए, लेकिन पार्ट नंबर ढंग से नहीं मिला, इस वजह से वहाँ काम नहीं बन पाया। अभी यहाँ किचन में बड़ा तालाब आया हूँ टाइम एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि अभी 9:30 बजे खुलेगा वो, और अभी टाइम है मेरे पास। अब वो सेल्स सॉरी जो भी मैनेजर है वो आएगा तो ही रेट बताएगा, तब मेरे दिल को सुकून आएगा। जैसा उसने बताया, जो मैकेनिक है, उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा रेट लग रहा है। इतना पैसा है नहीं अभी मेरे पास। सुबह सुबह जब मैं आया था तो पहले वाला भैया ने लगभग 7-8 हज़ार रुपये बता दिया था चार्ज, तो मेरा जान मुंह पे आ गया था। लेकिन अभी लगभग बताया जो मैनेजर थे, लगभग 4.5 हज़ार रुपये तक बताएं। और अभी देखे मैं जा रहा हूँ, अब तो लग रहा है 3-4 दिन काम ही होंगे। और एक मुझे काम करना है जाके, मेरा जो पार्ट नंबर है उसे अगर मिलता है तो उसे लाना पड़ेगा। जहाँ पे कल मैं काम कराया तो वहीं पे होगा या फिर फेंक दिया, मालूम नहीं, भगवान करे मिल जाए। सो लीजिएगा इस थकार के, चलिए अब सीधा चलते हैं घर। रांची में अभी रहने का वो ऐसे फ़ायदा नहीं है, और अभी जो कंटेंट मेरा चलता है वही कंटेंट में कंटिन्यू करूँगा, ताकि मेरे चैनल में वॉच टाइम और थोड़ा बढ़े और सब्सक्राइब भी कंप्लीट हो जाए 1K। सो गाइज लीजिए, ये मेरा पहला बस से रांची से बुंडू का यात्रा, जो कि छत को ऊपर से, ये मेरा पहला ट्रैवल है। चलिए आज एक्सपीरियंस करते हैं कैसा बुंडू से, सॉरी रांची से बुंडू का एक्सपीरियंस बस के ऊपर से। सो दोस्तों, अंदर से तो काफ़ी अच्छा है यहाँ ऊपर में बैठ के, हवा भी मस्त लग रही है और नज़ारा भी देखने में बहुत मज़ा लग रहा है। और अंदर इतनी भीड़ थी कि यार, अंदर में अगर मतलब अंदर में सफ़र करता हूँ अंदर में ही बहुत बार, लेकिन अभी तक तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा जो ऊपर का, ये अच्छा ही है अभी गर्मी का सीज़न में खास करके। अभी तो चलिए गाइस, बस की जर्नी काफ़ी मज़ेदार लगी। नीचे से तो काफ़ी अच्छा है, ऊपर का हवा जो मस्त है ना, नीचे में तो गर्मी में मर जाते हैं अंदर में। तो चलो यार, बुंडू पहुंच गए हैं, अब यहाँ से ऑटो लेके सीधा घर जाना पड़ेगा, लेकिन पहले वो मेरा छोटा सा काम है उसको मैं कर लेता हूँ।